अब हमने बार्क से रिलेटेड फिर दो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और वो है रिंग बार्क एंड स्केल बार्क। तो बार्क कैसे बना ये हमको समझ में आ गया। बार्क इसलिए बना क्योंकि कॉर्क कैम्बियम बना। तो कॉर्क कैम्बियम कैसा बन रहा है इस पे बार्क के बनने का मॉर्फोलॉजी डिपेंडेबल हो गया है ना। अगर देखो ये पूरे रिंग के समान बन रहा है, मतलब ये कॉर्क कैम्बियम ऐसा भी हो सकता है ना कि सिर्फ एक दो जगह पे ही एपिडर्मिस टूटे तो एक छोटा छोटा स्ट्राइप बनेगा कॉर्क कैम्बियम का और ऐसा होता कि पूरे बॉडी को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाए। दोनों बातें हो सकती हैं। अगर पूरे बॉडी को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी तो कैम्बियम रिंग बना दिया ना, तो कॉर्क कैम्बियम क्या बनाया तब तो कॉर्क कैम्बियम पूरा रिंग बनाया। और जब कॉर्क कैम्बियम रिंग बनाएगा एक कंप्लीट, तो जो बार्क बनेगा वो भी तो कंप्लीट बार्क बनेगा, एक राउंडेड बार्क बनेगा। लेकिन बार्क चूंकि डेड हो जाएगा तो बॉडी से जब निकलेगा बाहर तो हम लोग इसका नाम रखेंगे रिंग बार्क। हालांकि ये टूट के निकलेगा, पूरे रिंग में तो निकल नहीं सकता है, तो वो कैसे निकलेगा, शीट के रूप में है ना, पतला पतला शीट के रूप में टूटेगा और बाहर निकलेगा। तो ये शीट के रूप में मान लो कि एक प्लांट ले लो और तुम अपने पेपर से उसको कवर करो, तो तुमको 3-4-5 पेपर चाहिए उसको कवर करने के लिए डायमीटर वाइज। तो एक एक पेपर अलग अलग कर लो, पहले तो उस पूरे प्लांट को 1-2-3-4 जितने पेज से कवर कर सकते हो कर लो, पूरा डायमीटर बढ़ गया। अब एक एक पेज को निकालो तो ये शीट निकलना शुरू हुआ। तो जब कभी कैम्बियम रिंग बनाता है, बार्क रिंग के फॉर्म में तो निकल नहीं सकता, ये टूटेगा तो कुछ टुकड़ों में, उसको क्या कह देंगे हम लोग, शीट के फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हुआ। ऐसा जो कॉमनली एक प्लांट हमको दिखता है उसका नाम है बेटूली। प्लांट का नाम क्या है, बेटूली है ना। हम लोग इसको भोजपत्र भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, भोजपत्र भी नाम है। दूसरा है स्केल बार्क। इस भोजपत्र क्यों नाम दिए ये भी जान लो, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जब बड़ा खाना खा जाता है मतलब शादी विवाह, तो उसको भोज भी कहते हैं, एक टर्म है, ये बंगला टर्म है और थोड़ा बहुत हिंदी में भी हम लोग इसको यूज करते हैं भोज। तो उस समय ये उसी पत्ते पे खाया जाता था, हम लोग नाम रखे इसका भोजपत्र, तो ये इसका नाम था और इसका बॉटनिकल नेम है बेटूली। स्केल पे हम लोग आ गए। लेकिन कॉर्क कैम्बियम जरूरी नहीं है कि सारे जगह पे बन जाए, सिर्फ एक दो जगह पे एपिडर्मिस कट ऑफ हुआ तो एक ही दो जगह पे ना क्या बनेगा, प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा। और डायमीटर में जब कुछ ही जगह पे बनेगा तो जहां जहां पे कटिंग हुआ, यहां कट हुआ, यहां कट हुआ, यहां कट हुआ, तो चार स्ट्राइप में बना। तो जब ये स्ट्राइप में बना कौन, कॉर्क कैम्बियम, तो बार्क भी कैसा बनेगा, स्ट्राइप में बनेगा और स्ट्राइप में बाहर निकलेगा। ऐसे स्ट्राइप में जो बाहर निकला उसका एग्जाम्पल था, हम लोग क्या कहा कि घर पे अगर अमरूद का पेड़ है तो जाके देखना उसमें जो बार्क व्हाइट रंग का पोर्शन बाहर निकल रहा है ना, ये छोटे छोटे स्ट्राइप में निकल रहा है, ना कि बड़े बड़े शीट में निकल रहा है। तो जब कॉर्क कैसा बना, हम लोग इसका नाम रखे बार्क जो बना वो कैसा बना, शीट में बना। एक तो बन सकता था शीट में, तब नाम रखे रिंग बार्क, और बार्क बना पतले पतले स्ट्राइप में, तब इसका नाम रखे स्केल बार्क। क्या नाम रख दिया इसका, स्केल बार्क। तो ये बार्क से रिलेटेड सारी बातें अब समाप्त हो गई। हमने क्या क्या देखा, रिंग बार्क, फिर देखा हमने स्केल बार्क, फिर देखा हमने, इसके पहले हमने देखा कि बार्क कैसे बना। बार्क से रिलेटेड दो बातें, एक जो एनसीईआरटी बेस्ड थी और एक जो उसका रियल कॉन्सेप्शन था। इसके पहले हमने एनुअल रिंग देखा। तो ये एक हमारा टॉपिक खत्म हुआ जिस टॉपिक का नाम था सेकेंडरी ग्रोथ। इसका मतलब ये जितनी छोटी छोटी चीजें बता रहे थे ना, दे आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ का ही पार्ट था। इन सारी चीजों को सेकेंडरी ग्रोथ में ही पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा, सेकेंडरी ग्रोथ वाज ग्रोथ इन थिकनेस। क्यों था, बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम एंड बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। और पूरे एक्टिविटी को हम लोगों ने पूरे इसको तोड़ तोड़ के एक एक चीजों को समझते हुए हमने पढ़ा। अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो होगा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। फिर हम लोग बता दें ये डाइकॉट रूट का सेकेंडरी ग्रोथ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। बहुत थोड़े से डिस्कशन से पूरी चीजों को समझ जाएंगे, इसीलिए डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं मेडिकल में, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब जो हमारा अगला पार्ट होगा वो होगा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, और उसके बाद हम लोग फिर छोटी छोटी कुछ चीजों को पढ़ेंगे। अभी वे एनाटॉमी हमारा खत्म नहीं हो रहा है, हमने कहा छोटी छोटी चीजों को 5-5 मिनट वाले समय लगेगा, जैसे हम लोग अभी देखेंगे लेंटी सेल्स,
जैसे हम लोग एक शब्द देखेंगे टाइलोसिस, फिर हम लोग एक शब्द देखेंगे हार्डवुड, ऐसे पांच पांच मिनट वाले कई चैप्टर अभी हमको देखना है ना। तो पहला हम लोग अब करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट रूट, वो हम लोग अब करेंगे और फिर हम लोग छोटे छोटे चैप्टर्स को देखेंगे। ठीक, जैसा कि मैंने कहा कि अब छोटे छोटे टॉपिक्स दो दो मिनट के, पांच पांच मिनट के रह गए हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक छोटा सा टॉपिक है लेंटी सेल्स। टॉपिक का नाम क्या हो गया? लेंटी सेल्स। और देखो, हम लोग जब एक कॉर कैम्बियम की बात कर रहे थे, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता था तो हमने एक कॉर कैम्बियम बनाया था। ये एनाटॉमिकल मान लो स्टेम है, तो एक कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ। कॉर कैम्बियम कभी कभी, कॉर कैम्बियम का काम हमें पता है, एकदम फिक्स काम है। कॉर कैम्बियम का काम है बाहर की तरफ सेल कट ऑफ करना, और वो जो बाहर की तरफ सेल कट ऑफ हो रहा था उसका नाम रखा गया था कॉर। अब हम लेंटी सेल्स की बात बता रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स में, ओल्ड प्लांट्स में ये लेंटी सेल्स दिख रहा था। लेंटी सेल्स क्या था हम लोग देखे क्या, प्लांट के सरफेस पे कुछ उभार, कुछ प्रोट्यूजन, कुछ ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा था जो बिल्कुल क्रैक किया हुआ था। कभी कभी प्लांट में तुमको दिखाई देगा, ओल्ड प्लांट में स्पेशली, क्रैक किया हुआ है ना, पोर्स हल्का सा दिख रहा होगा, लेकिन वो एक उभार में होगा, प्लांट के बॉडी में एक ऐसे उभार आ गया होगा। अगर हम लोग प्लांट ऐसे देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो एरिया दिख रहा था, इसी एरिया में जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किए तो कहे कि कुछ पोर्स दिख रहा है। उस पोर का नाम दिए लेंटी सेल्स। क्या नाम दिए पोर का? लेंटी सेल्स। हुआ ये कि कॉर्क कैम्बियम, ये दिखा रहे हैं मान लो कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ के समय इसका काम क्या था? इसका काम था कॉर्क का फॉर्मेशन करना। तो कभी कभी ये सरफेस पे कॉर्क का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है, क्या करता है ये कॉर्क का फॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि कुछ लूजली अरेंज सेल्स को कट ऑफ करना शुरू करता है। कौन? कॉर्क कैम्बियम। तो जब ये लूजली अरेंज सेल्स को कट ऑफ करता है बाहर की तरफ, तब उस लूजली अरेंज सेल्स का नाम रखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल। क्या नाम रखे इसका हम लोग? तो हम लोग कहते हैं कि कॉर्क कैम्बियम इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कॉर्क सेल को बनाने की बजाय क्या बनाना शुरू कर दिया? इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कॉर्क सेल, ये बनाना शुरू कर दिया कुछ लूजली अरेंज सेल। ये लूजली अरेंज सेल्स का नाम रखे हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या नाम रखे इसका हम लोग? कॉर्क कैम्बियम। नहीं, कॉर्क कैम्बियम जो लूजली अरेंज सेल्स बनाया उसका नाम हम लोग रखे इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल, हम लोगों ने इसका नाम रखा कॉम्प्लीमेंट्री सेल। और इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के बनने के चलते, अब देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है, कॉर्क बनाता था तो भी प्रेशर पड़ता, कॉम्प्लीमेंट सेल बना रहा तो भी प्रेशर पड़ेगा क्योंकि नए सेल्स बन रहे हैं। अब जब कॉम्प्लीमेंट सेल्स बनना शुरू हुआ तो ये सोच लो एपिडर्मिस है तुम्हारी तरफ से और अंदर से नए सेल्स बन रहे हैं, तो ये सेल्स क्या करेंगे? प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डालेंगे तो एपिडर्मिस में फिर रप्चर होगा। यही रप्चर है, ये उभार था जो क्रैक करके पोर्स बना दिया। उस पोर्स का नाम रखे लेंटी सेल्स। क्या नाम रखे इसका हम लोग? लेंटी सेल्स। उस उभार के, प्रोट्यूजन के, ओपनिंग के नीचे जो लूजली अरेंज सेल्स है, उस लूजली अरेंज सेल्स का नाम रख दिए कॉम्प्लीमेंट्री सेल। अब देखो जो पोर बन गया ना, इसी से एक्सचेंज और कम्युनिकेशन ऑफ गैसेस हो रहा है। इसी पोर से क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है और कम्युनिकेशन भी हो रहा है। हम लोग कह सकते हैं कम्युनिकेशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस थ्रू दीज लेंटी सेल्स, एंड दिस यूजुअली हैपेंस इन एन ओल्ड प्लांट। ऐसा ओल्ड प्लांट में ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो फिर से देखो लेंटी सेल्स क्या हुआ, हमने कहा कॉर्क कैम्बियम इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कॉर्क सेल्स इन सम ओल्ड प्लांट दे फॉर्म लूजली अरेंज्ड सेल्स। तो हमने समझाया लेंटी सेल्स, तो क्या क्या बताया लेंटी सेल्स को, फिर हम लोग समअप कर रहे हैं फाइनली। कॉर्क कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय बन रहा था उसका काम था कॉर्क बनाना, लेकिन कुछ ओल्ड प्लांट में इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कॉर्क वो कुछ लूजली अरेंज सेल्स बना दिया जिसका नाम था कॉम्प्लीमेंट्री सेल। अब इन सेल के बनने से फिर क्या हुआ, एपिडर्मल वॉल पे प्रेशर पड़ना शुरू किया, अंदर से नए नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा था, और ज्यों ही ये प्रेशर पड़ा
एपिडर्मस टिश्यू क्या हो जाएगा, रप्चर कर गया, और रप्चर करने से ये उभार भी आ गया, यूं हो गया, ये समझो एपिडर्मिस ऐसे था, अंदर से नए सेल्स बने तो इसका ये उभार दिखने लगा और क्रैक भी कर गया। इस क्रैक का नाम रखे लेंटिसेल्स, और ये जो उभार दिख रहा था इसको कहे प्रोट्यूजन, है ना। और फाइनली अंदर की तरफ से जो नए सेल्स बने उसका नाम रखा गया कॉम्प्लीमेंट्री सेल। इसमें तीन चार तरह के क्वेश्चन आते हैं, पूछता है द लूजली अरेंज सेल्स ऑफ लेंटिसेल्स आर टर्म एज, तो नाम तुमको याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरा पूछता है ये कैसा अरेंजमेंट होता है इन सेल्स का, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये बहुत ही लूजली अरेंज सेल्स है, इनके बीच में एयर स्पेस मिल रहा है, ये कम्युनिकेशन करने में या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है, ये क्या कर रहा होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प कर रहा होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स की बात हो गई। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, दे आर एरेटिंग पोर्स, मतलब एयर को, एरेटिंग मतलब एयर को एक्सचेंज करने वाला पोर है, फॉर्म इन द बार्क, ये बार्क में डेवलप हो जाता है, थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, जिनके थ्रू क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस संभव हो पा रहा है ना, CO2 और O2 का जो एक्सचेंज है वो हो पा रहा है। एक्सटर्नली दे अपीयर एज स्कार, अगर बाहर से देख रहे हैं तो ये एक छोटे से धब्बे के समान, दाग के समान, स्कार के समान दिख रहा है, है ना। और स्मॉल प्रोट्यूजन, या इस तरह से हमने बताया कि ये उंगली एपिडर्मिस है तो ये ऐसे हो गया, उभार के रूप में दिख रहा है ना, प्रोट्यूजन के रूप में दिख रहा है। ऑन द सर्फेस ऑफ द स्ट्रेम एच इच लेंटिसेल, अरे एक लेंटिसेल बहुत सा मिल सकता है, हर एक लेंटिसेल्स की बात कर रहे हैं, इच लेंटिसेल द कॉर कैम्बियम, लेंटिसेल कैसे बना था, तो वहां जो अंदर में कॉर कैम्बियम था, द कॉर कैम्बियम इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कॉर्क सेल, कॉर्क सेल बनाने के बजाय यूजली फॉर्म स्फेरिकल लूजली अरेंज सेल्स विथ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बीच में ये क्या बना दिया, लूजली अरेंज सेल्स बनाया, जिस लूजली अरेंज सेल का नाम क्या दे दिए, कॉम्प्लीमेंट्री सेल। अब हम लोग आते हैं इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल के बनने से क्या हुआ, बाहर की तरफ एक प्रेशर पड़ा, और बाहर के प्रेशर पड़ने से एपिडर्मल सेल्स में क्या हो गया, इट क्रिएट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द एपिडर्मिस, उसके चलते वॉल रप्चर कर गया, और यही जो रप्चर था ना उसी को ओपनिंग के फॉर्म में यहां दिखाया जा रहा है डायग्राम में, दिस ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज लेंटिसेल, इसी ओपनिंग का नाम हमने रखा लेंटिसेल्स। तो ये एक छोटा सा टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया। The lenticels may be closed during the close of winter season. During winter season में cork का formation ये करने लगेगा, और जब cork बनाएगा तो lenticels automatically क्या हो जाएगा? ये एक important line है. During winter season, the same plant which was forming lenticels may form cork. और अगर ये cork बना दिया तो ये जो opening थी ये close हो जाएगी. तो ये तुम्हारा, हमने कहा ना कि दो दो मिनट, पांच पांच मिनट के अब टॉपिक बचे हुए हैं, है ना, तो ये तुम्हारा खत्म हो गया लेंटिसेल्स। तो बच्चों जो टॉपिक हम लोग अब शुरू कर रहे हैं उसका नाम है सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट रूट। हम लोग रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं। इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक आम के पेड़ के रूट के पास तुम जाके मिट्टी को खुरोड़ कर दो, क्या देखोगे, आम का जड़ रूट भी उतना ही थिक है जितना उसका स्टेम है, इसका मतलब उसके रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। तो सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए जरूरत पड़ती है, ये हमने एक डायकॉट के स्टेम का डायग्राम बनाया है जिसमें वैस्कुलर बंडल के अंदर में कैम्बियम दिखा रहे थे, और क्या बताए थे, यही कैम्बियम मेरिस्टमेटिक होता है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया था और कैम्बियम रिंग बन गया था। तो कैम्बियम बना फेसिकुलर कैम्बियम, और वो तुमको याद होगा सेकेंडरी ग्रोथ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, है ना, तो ये दोनों एक्टिव होकर यह कैम्बियम रिंग बनाया था। लेकिन कैम्बियम, अब हम लोग एक डायकॉट के रूट का पूरा डायग्राम देखो, डायकॉट के रूट में बाहर वाले टिश्यू को क्या कहते हैं, एपिब्लेमा। हम लोग जिसको एपिडर्मिस कहते थे उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, हमने कहा कुछ नए नाम्स दिए जाते हैं रूट के केस में, और ये नाम है एक्सोडर्मिस और पीलीफेरस लेयर और एपिब्लेमा और राइजोडर्मिस, हमने ये तीन चार नाम बताए थे। अब हम लोग आते हैं बाहर वाले सेल से कंपेयर करना शुरू करते हैं। बाहर वाले सेल को एपिब्लेमा कहते थे, जिसके एक्सटेंशन का नाम था रूट हेयर, और रूट हेयर के बारे में बताए थे कि रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक सेल का बना हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर, एक सेल का बना हुआ, मतलब ये एपिब्लेमा का एक्चुअली एक्सटेंशन है ना, ये एक्सटेंशन है जिसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अलोंग विथ मिनरल सॉल्ट। फिर हम लोग सेकेंड लेयर पे आए थे और कहे थे कि देयर इज नो हाइपोडर्मल सेल, रूट के केस में कोई हाइपोडर्मल सेल नहीं होता है ना, और उसके बाद आए थे
हमने बताया कि एक बड़ा सा लेयर कॉर्टेक्स का होता है, ये डायग्राम हमने यहां से यहां तक का बनाया है। अब हम तुम ये मानो कि यहां पे एपिडर्मिस है और ये सारे सेल कैसे हैं, कॉर्टेक्स हैं, मतलब कॉर्टेक्स का एक लार्ज लेयर पाया जाता है, देयर इज अ लार्ज लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टेक्स और एपिडर्मल टिश्यू के बीच में बहुत ज्यादा नंबर में कॉर्टेक्स के सेल पाए जा रहे हैं, इन बिटवीन एपिडर्मिस टू एंडोडर्मल सेल। तो ये डायग्राम को हम लोग इस तरह से तुम कॉन्सेप्ट ले लो। अब हम लोग आते हैं कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट सेल को, हम लोग ने क्या कहा था, एंडोडर्मल सेल। तो कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट सेल का नाम है एंडोडर्मल सेल। एंडोडर्मल की सेल की प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने कहा एंडोडर्मल सेल्स की जो प्रॉपर्टी थी उसमें ये था, पहला ये बैरल शेप्ड सेल है, और दूसरी बात हम लोगों ने ये हम लोग सिर्फ इसको फिर से रिकॉल कर रहे हैं ना, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा, बैरल शेप्ड सेल्स होगा, क्लोजली फिटेड होगा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा, और इसके इनर और रेडियल वॉल पे थिकनिंग मिलेगी। थिकनिंग किस चीज की मिलेगी, सुवेरेन की मिलेगी। इसके बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, कैस्पेरी नामक साइंटिस्ट ने बताया था, ये हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ा था इन एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। अब हम लोग आते हैं डायकॉट में रूट बन चुका है और सेकेंडरी ग्रोथ होने के समय हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोटोजाइलम देख रहे हैं, मेटाजाइलम देख रहे हैं, फ्लोएम देख रहे हैं, लेकिन पूरे सेल को ऑब्जर्व करो, कहीं भी हमने कैम्बियम नहीं लिखा है। यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है, कैम्बियम इज ऑलवेज सेकेंडरी इन ओरिजिन इन केस ऑफ रूट। रूट में कैम्बियम कैसा सेकेंडरी इन ओरिजिन है, शुरू में ये नहीं था। अभी पूरे डायग्राम में देखो कहीं कैम्बियम बनाया हमने, नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि कैम्बियम तो है ही नहीं, जब कैम्बियम नहीं है तो ये नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जो ही सेकेंडरी ग्रोथ का रूट में डिसीजन लिया गया, अब कैम्बियम अपीयर होगा। तो देखो स्टेम से कंपेयर कर रहे हैं, स्टेम में तो कैम्बियम पहले से था, इसका मतलब ये प्राइमरी इन ओरिजिन है ना, शुरू से था। लेकिन जब रूट की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि ये शुरू से कैसा था, कैम्बियम नहीं था इसमें। अब कैम्बियम कब आया और कहां आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटोजाइलम के ऊपर, देखो ऊपर और नीचे की जब भी बात करें ना तो सेंटर से समझना इस बात को, जब भी हम कहते हैं कि ऊपर और नीचे तो कहां से ऊपर, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम सेंटर। सेंटर से देखो प्रोटोजाइलम दिखा रहे हैं, प्रोटोजाइलम रूट के केस में किधर होता है, हमने पढ़ाया था कि ये आउटसाइड होता है, इसके लिए टर्म बताया था एक्सार्च, एक्सार्च मतलब आउटसाइड, व्हेन प्रोटोजाइलम इज आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर वी कॉल इट एक्सार्च, तो ये नाम मैंने बताया था। अब आ जाओ यहां पे, प्रोटोजाइलम के ऊपर का पेरिसाइकिल का सेल, पेरिसाइकिल की दो प्रॉपर्टी रूट में इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रॉपर्टी थी लैटरल रूट का फॉर्मेशन, इसी पेरिसाइकिल से होता है। पेरिसाइकिल अगर रूट के बारे में पूछेगा तो इसके दो इंपॉर्टेंट के लिए ये जाना जाता है, जैसे ताजमहल क्यों जाना जाता है, ताजमहल सबसे बड़ा मार्बल का है ना, संगमरमर का एक महल बनाया गया था है ना, और ये हाथ से बनाया गया था, कई सालों का समय लगा था, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है ये ना। ठीक इसी तरह से जब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे पेरिसाइकिल को, तो पेरिसाइकिल को इसलिए जाना जाता है क्योंकि रूट के केस में इससे लैटरल रूट का डेवलपमेंट होता है। ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पेरिसाइकिल का, लैटरल रूट ओरिजिनेट, ये देखो लैटरल रूट बना रहे हैं। लेकिन जिस समय सेकेंडरी ग्रोथ होता है, यही पेरिसाइकिल कैम्बियम का भी फॉर्मेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझो, फिर रिपीट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से, प्रोटोजाइलम के ऊपर का सेल, कहां का सेल, प्रोटोजाइलम के ऊपर का सेल, कौन सा सेल था, पेरिसाइकिल का वो पोर्शन जो प्रोटोजाइलम के ऊपर है, अचानक सडनली क्या हो गया, मेरिस्टमेटिक हो गया। क्या हो गया, सडनली मेरिस्टमेटिक हो गया। ज्यों ही ये मेरिस्टमेटिक हो गया, अब इसका नाम हम लोग रखे कैम्बियम। तो बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कैम्बियम कब बना, कैम्बियम बना नहीं था, लेकिन कैम्बियम अपीयर हुआ, कब अपीयर हुआ, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ज्यों ही प्लांट डिसीजन लिया कि सेकेंडरी ग्रोथ करना है, रूट इसका सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, अचानक प्रोटोजाइलम के ऊपर का सेल, प्रोटोजाइलम के ऊपर कौन सा सेल लोकेटेड था, तो पेरिसाइकिल लोकेटेड था, पेरिसाइकिल का कुछ पोर्शन जो इसके ऊपर था वो सडनली क्या हो गया, मेरिस्टमेटिक हो गया। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ दीज सेल्स, ये सेल जो प्रोटोजाइलम के ऊपर है, दे आर कॉल्ड एज कैम्बियम, इन्हीं सेल्स को हम लोग कैम्बियम का नाम दिए, है ना, ये समझ में आ गया बच्चों, कैम्बियम इसको क्यों बोला, बिकॉज दिस नाउ सडनली बिकम मेरिस्टमेटिक। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, और ये दिखा रहे हैं पिथ और पेरेन्काइमेटस टिश्यू।
तो इसका वो सेल प्रोटोजाइलम का वो पोर्शन, मतलब प्रोटोजाइलम के ऊपर पेरिसाइकिल का पोर्शन एक्टिव हो गया और फ्लोएम के, ये दिखा रहे हैं फ्लोएम है, तो जाइलम के ऊपर और फ्लोएम के नीचे का सेल भी एक्टिव हो गया। अब ये पोर्शन भी एक्टिव हो गया, कौन सा पोर्शन? फ्लोएम के ऊपर का पोर्शन भी एक्टिव हो गया। पहले कौन एक्टिव हुआ? हमने कहा पेरिसाइकिल का सेल जो प्रोटोजाइलम के ऊपर है वो पोर्शन एक्टिव हो गया। और अब उसका नाम हमने क्या रखा? हमने इसका नाम रखा कैम्बियम। कैम्बियम बाद में बना, इसीलिए ये सेकेंडरी इन ओरिजिन है। हम लोग इसको कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या नाम देंगे इसका? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब क्या हुआ देखते जाओ, कैम्बियम अब अपने लैटरल साइड में सेल कट ऑफ कर रहा है और कौन सेल एक्टिव हो गया? फ्लोएम के ऊपर का सेल, प्रोटोजाइलम के नीचे का सेल। कहां से देख रहे हैं? अब देखो, हमने स्टेटमेंट तुमको कंफ्यूज कराने के लिए कहा, देखने में तो लग रहा है कि ये प्रोटोजाइलम के नीचे है और ये फ्लोएम के ऊपर है, ऑप्शन यही आएगा और तुमसे गलती हो जाएगी। यही ऑप्शन आएगा मेडिकल में, है ना, कि डायग्राम बना देगा तुमको कंफ्यूज करने के लिए, डायग्राम भी दे देगा और देगा ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट द सेल, यहां से नहीं देगा, यहां पे दे देगा बिलो द प्रोटोजाइलम बिकम मेरिस्टमेटिक, और एक ऑप्शन रहेगा नॉन ऑफ दीज। ये देखना, ये करेक्ट आंसर नहीं देगा और आंसर क्या देगा? नॉन ऑफ दीज। अब ऐसे क्वेश्चन में गलतियां 90% बच्चे, 99% बच्चे गलती कर देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से समझो, जब भी हम लोग ऊपर और नीचे की बात करेंगे वी विल कंपेयर इट फ्रॉम द सेंटर। अब फिर से हम लोग यहां पे एक चौक को रखते हैं और फिर बताते हैं, यहां से कंपेयर करो, ये जाइलम के ऊपर है और ये फ्लोएम के नीचे है। किसी भी सेल को देखो, ये फ्लोएम के नीचे है, ये जाइलम के ऊपर है। हमने कहा जाइलम के ऊपर का सेल, प्रोटोजाइलम के ऊपर के सेल जो पेरिसाइकिल का पार्ट था वो अचानक एक्टिव हो गया और फ्लोएम के नीचे का सेल भी एक्टिव हो गया और ये सारे सेल कट ऑफ करना शुरू किए और आपस में कंबाइन करना शुरू किए। जो ही ये सेल कट ऑफ करके आपस में कंबाइन करना शुरू किए, अब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का देखो फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये रिंग नेचर में गोल नहीं बल्कि वेवी हो गया। कैसा हो गया? तो सबसे पहले एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन ये कैम्बियम रिंग वेवी हो गया। देखो शेप कैसा है, बाद में ये हम लोग कहेंगे सर्कुलर हो जाएगा, लेकिन शुरू में कैसा बना? ये वेवी बना। ये दो क्वेश्चंस मेडिकल में आने की संभावना है, है ना? क्या क्या समझ में आ गया? हमने क्या कहा? पहले तो बताया कि फ्लोएम के ऊपर का सेल, और फिर हमने बताया फ्लोएम जाइलम के ऊपर का सेल और फ्लोएम के नीचे का सेल बिकम मेरिस्टमेटिक, और इसी जाइलम के ऊपर वाले सेल का नाम हमने रखा कैम्बियम। तो कैम्बियम कौन सा सेल हो गया? जाइलम के ऊपर का सेल, जो किसका पार्ट था? ये पेरिसाइकिल का पार्ट था। ये किसका पार्ट था? ये पेरिसाइकिल का पार्ट था। और ये जब लैटरल साइड में सेल कट ऑफ करने लगा तो फ्लोएम के ऊपर का भी सेल एक्टिव हो गया और ये सभी जुड़ के एक रिंग बनाया। लेकिन ये रिंग अभी ओवल नहीं है, ये रिंग कैसा है? ये रिंग देखने में वेवी है। तो ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आते हैं। कैम्बियम इज किसमें? रूट में, सेकेंडरी इन मेरिस्टेम, है ना? ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, रूट का कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, जबकि स्टेम का कैम्बियम कैसा होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। दूसरी बात, स्टेम में कैम्बियम रिंग सर्कुलर होता है, लेकिन इनिशियली रूट में कैम्बियम रिंग वेवी होता है। ये दो डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब जब ये कैम्बियम रिंग बन गया तो ये धीरे 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 आउटवर्ड प्रेशर डालना शुरू करता है, ये पोर्शन आउटवर्ड, ये पोर्शन आउटवर्ड, तो ये फ्लोएम को और बाकी सेलों को क्या करेगा? ये पुश करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर और फिर धीरे धीरे अज्यूम कर लेगा एक सर्कुलर आउटलाइन। तो अब क्या हो जाएगा? ये फ्लोएम का लोकेशन यहां आ जाएगा, है ना, ये फ्लोएम यहां आ जाएगा और धीरे धीरे ये कैसा हो जाएगा? कैम्बियम का रिंग ओवल हो जाएगा और ये देखेंगे बाहर चला गया है, ये ओवल होता चला गया। तो अब कैम्बियम रिंग ओवल हो गया, सर्कुलर हो गया और बिल्कुल डाइकॉट स्टेम की तरह हो गया।
और हम लोग इसको अब कह सकते हैं कि बाकी की एक्टिविटी, अब जो इसकी एक्टिविटी होगी ना, दीज एक्टिविटी आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू, बिल्कुल करीब करीब सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में होता था उसी तरह की एक्टिविटी अब ये शो करेगा. नाउ द एक्टिविटी आर ऑलमोस्ट सिमिलर विद दैट ऑफ, हम लोग कहेंगे विद दैट ऑफ स्टेम. तो ये अनकॉमन पॉइंट क्या मिला, दो बातें अनकॉमन आई. पहला, कैम्बियम का ओरिजिन सेकेंडरी था, कैम्बियम शुरू से रूट में नहीं दिख रहा था, कैम्बियम कैसा था, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल हो जाएगा. अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाए मेडिकल में, कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, रूट और स्टेम कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आंसर होगा बोथ ऑफ देम. लेकिन अगर रूट में यही क्वेश्चन आ गया कि कैम्बियम इन केस ऑफ रूट और डायकॉट रूट इज, अब तुम्हारा ऑप्शन फिर सब यही है, प्राइमरी मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम इन ओरिजिन. लेकिन अगर स्टेम के बारे में आ गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम इन ओरिजिन. ऐसे मेडिकल में इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. चूंकि ये बॉडी का पार्ट है, मैंने इसको क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम के बॉडी का पार्ट बन रहा था, कैम्बियम को पढ़ना था, इसीलिए हमने ये टॉपिक पढ़ाया सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट रूट. और हमने इसको पूरा नहीं पढ़ाया, हमने सिर्फ उन दोनों पॉइंट को समझाया. हमने एक लाइन कहा कि इसकी बाकी की एक्टिविटी सिमिलर टू दैट ऑफ डायकॉट स्टेम, डायकॉट स्टेम में जैसा ग्रोथ हुआ था वैसा ही ग्रोथ यहां फिर होगा, ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न को ये फॉलो करेगा. लेकिन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बार बार कह रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो पहला ये था, कैम्बियम का ओरिजिन रूट में कब हुआ और स्टेम में कब हुआ. स्टेम में तो कैम्बियम पहले से मिलता था, देयर प्राइमरी इन ओरिजिन, वेयर एज कैम्बियम इन केस ऑफ डायकॉट रूट इज ऑलवेज सेकेंडरी इन ओरिजिन. दूसरा, कौन से पोर्शन में एक्टिविटी से कैम्बियम बना, तो बोलेंगे द पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल विच इज एबव द जाइलम, जाइलम के ऊपर जो सेल्स था वही सडनली क्या हो गया, मेरिस्टमेटिक हो गया, वही अचानक मेरिस्टमेटिक हो गया और कैम्बियम बनाया. और फाइनली कैम्बियम रिंग कैसे बना, तो कुछ सेल जो फ्लोएम के ऊपर थे, है ना, नहीं फ्लोएम के नीचे थे और जाइलम के ऊपर थे, इन दोनों में एक्टिविटी से रिंग बना. ये रिंग देखने में कैसा बना, वेव के समान बना, हमने कहा दिया कैम्बियम रिंग इज वेवी इन नेचर. और फाइनली ये वेवी फिर आउटग्रोथ करना शुरू किया, पुश करना शुरू किया और बाद में ये सर्कुलर हो गया. बाद में कैसा हो गया, ये सर्कुलर हो गया और अब जो इसकी एक्टिविटी थी वो बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ डायकॉट स्टेम. तो ये तुम्हारा एक टॉपिक खत्म हो गया एंड हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट रूट. तो बच्चों एनाटॉमी अब हम लोगों का बिल्कुल समाप्त हो गया है और हम लोग अब दो दो मिनट के तीन टॉपिक को समझा रहे हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए तुमको जानना चाहिए, है ना. जैसे पहला टॉपिक हमने लिखा यहाँ पे फॉल ऑफ लीफ, ये पत्ता है, ये पत्ता अचानक देखते हो कि गिर जाता है. क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि पत्ता धीरे धीरे येलोइश कलर का होता है और गिर जाता है. तो अचानक ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि पत्ता टूट जाता है, इसको हम लोग यूं समझते हैं. ये समझने के लिए तुम ये समझो कि ये एक वेसल्स में, एक हम दिखा रहे हैं मिडरिब है, ये मिडरिब का पोर्शन जो लीफ में जा रहा है ये बिल्कुल कैसा होगा, पाइप लाइक कनेक्शन था. इस पाइप लाइक ट्यूब के थ्रू वाटर भी जा रहा है और रीट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड भी आ रहा है. तो ये पाइप लाइक कनेक्शन में सबसे पहले एब्सिसिक एसिड का डिपोजिशन होना शुरू करता है. इस जगह पे देखो ये पत्ता है ना, यहां पे एब्सिसिक एसिड का डिपोजिशन होना शुरू करता है. एब्सिसिक एसिड के डिपोजिशन से ये पैसेज पूरी तरह से रुक जाता है, एब्सीजन हो जाता है. अब जब हवा चलती है तो ये ऑलरेडी पत्ता क्या हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया है, है ना, अपने मदर प्लांट से, क्योंकि वहां पे एक एब्सिसिक एसिड का डिपोजिशन होता चला गया. और ऐसा कब होता है, इन एन ओल्ड प्लांट, जब पत्ता ओल्ड हो जाता है, प्लांट ओल्ड हो रहा है, उसका पत्ता जब ओल्ड हो रहा होगा तब ऐसा होता है. और फिर ये अपने ही वेट से जब हवा चलती है तो टूट के गिर जाता है. और यहां पे एक दाग दिखाई देता है, इस दाग को कहते हैं लीफ स्कार. क्या नाम रखें इसका हम लोग, लीफ स्कार. तो ये तुम्हारा हो गया अबाउट लीफ फॉल ऑफ लीफ, है ना. फिर हम लोग आते हैं हीलिंग ऑफ वुंड, है ना. एक गए प्लांट में स्टेम को इतना काट दिए, क्या हुआ, जो ही इसको काटे अंदर का जो लेयर था ना ये प्रोटेक्टिव हो गया, क्योंकि प्लांट का नेचर है अगर ये कट गया तब तो बैक्टीरिया वायरस सब अंदर आना शुरू करेगा, प्लांट को डिजीज होना शुरू करेगा. तो प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए जो इसका अंदर का लेयर था ना, कॉर्टेक्स का नॉर्मली लेयर था, काट दिए मान लो, तो ये अचानक क्या हो गया, मेरिस्टमेटिक हो गया. और अब इसका नाम हम लोग रख दिए उंड कैम्बियम.
किसका नाम रख दिए, उंड कैम्बियम, जो कटिंग किए थे यहां तक प्लांट को काटे थे उसके नीचे का जो भी सेल था वही अचानक क्या हो गया, सडनली, मतलब मान लो कि ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू था, ये क्या हो गया, सडनली मेरिस्टमेटिक हो गया और अब हम इसका नाम रखे उंड कैम्बियम। जब ये उंड कैम्बियम बन गया तब ये नए सेल्स को कट ऑफ करना शुरू किया और धीरे 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 हम लोग क्या देखे, ये पूरा एरिया फिल्ड हो गया नए सेल से और ये एरिया जो था, जो कटिंग वाला एरिया था, कुछ ही दिनों के बाद भर गया। तो ये प्रोसेस होता है प्लांट का, हील कर दिया अपने उंड को, अपने घाव को हील कर दिया और नए सेल्स वहां पे आ गए। इस टॉपिक का हम लोग नाम रखे हीलिंग ऑफ उंड। अब एक फिर छोटा सा टॉपिक है टाइलोसिस, है ना, ये हम लोग दिखा रहे हैं वेसल्स, है ना, ये दिखा रहे हैं वेसल्स और एक कहानी बता रहे हैं। अब एट द एंड ऑफ द सिलेबस जब एनाटॉमी हम लोग खत्म कर रहे हैं तो हम लोगों का मन हुआ चलते हैं एक पिकनिक करने के लिए, है ना, एक पार्टी में चलते हैं, पिकनिक करने चलते हैं, पिकनिक करने जा रहे हैं महेश सर के साथ जा रहे हैं, तो नेचुरली किसी फॉरेस्ट में जाएंगे। हमने कहा बच्चों सबको ही अपना अपना टिफिन ले लेना, तुम सभी लोग अपना अपना टिफिन ले लिए, लेकिन इतने आज्ञाकारी कि मैंने ये नहीं कहा तुम लोग पानी लो, तुम में से किसी ने भी पानी नहीं लिया, सब कोई टिफिन लिए और बस में हम लोग बैठ गए और एक जंगल में पहुंच गए, फॉरेस्ट में पहुंच गए, क्योंकि महेश सर के साथ जा रहे हैं तो बॉटनी पढ़ना है, कुछ ना कुछ प्लांट देखना है। अब क्या हुआ, ये दिखा रहे हैं तुम लोग हो, है ना, ये सारे बच्चे हैं और सारे बच्चों के पास में फूड तो है, खाना तो है, लेकिन क्या लेके नहीं पहुंचे हैं, पानी लेके नहीं पहुंचे हैं। अचानक घूमते घूमते जब दिन में खाने की बात आई तो कहीं पे बैठे हम लोग सबको ही, है ना, और सबको ही अपना अपना टिफिन निकाल लिए। हमने पूछा बच्चों पानी, तो सारे बच्चों ने कहा सर आपने तो खाना लाने को कहा था, हम लोगों ने पानी नहीं लाया। अब एक बड़ी मुसीबत आ गई, तभी बॉटनी का ज्ञान काम आया। हम लोगों ने पढ़ा था कि पानी ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है एक एक प्लांट से, तो 50-60 लीटर पानी क्या हो रहा है, ट्रांसपायर हो रहा है। तो हमने कहा बच्चों ऐसा करो सब कोई एक एक ब्रांच को कटिंग करो और उसके नीचे ये मग लगा के बैठ जाओ, है ना। अब एक बच्चा ये कटिंग किया, अपने हाथ से मग पकड़ा हुआ है, दूसरा बच्चा इधर वाले स्टेम को कटिंग किया है और ये मग लगा के बैठा हुआ है ना, ये बच्चा है दूसरा, अपने हाथ से होल्ड किया हुआ है इस उम्मीद में कि वो जो पाइप से पानी जा रहा था, लीफ से उड़ रहा था, वो पानी टप टप करके कहां आ जाएगा, जग में आ जाएगा और बाद में हम लोग पी लेंगे। अरे आधे घंटे तक, एक घंटे तक सभी बच्चे महेश सर की बात मान के खड़े थे, लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, पानी तो वेपर के फॉर्म में जाता ही था, पत्ते से जब स्टेम को काटा गया तो ये जो वाटर सप्लाई था ना वेसल्स में, ये रुक गया। कैसे रुका, क्योंकि इनर वॉल ऑफ द वेसल्स से, है ना, ये जो इनर वॉल है वेसल्स का, उससे बेलून लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है। यूं यूं दो बेलून बन गया, हम लोग बेलून फुलाते हैं ना, तो क्या करो ना, एक नली में एक पाइप ले लो, इसमें दो बेलून को फुला के एक बाई तरफ से एक दाई तरफ से अंदर से लगा दो, तो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। ये क्या किया, ये दोनों बेलून क्या किया, देखो ध्यान से, अगर ऐसे दो बेलून बन जाए तो पैसेज को ब्लॉक करेगा या नहीं करेगा, ये पैसेज को ब्लॉक कर दिया और इसीलिए पानी बाहर नहीं निकल रहा है। यही रीजन था, इस स्पेशल बेलून लाइक प्रोजेक्शन का नाम हमने रखा टाइलोसिस। क्या नाम रखा हमने, टाइलोसिस। तो ये तुम्हारा बच्चों एक बड़ा टॉपिक हम लोगों ने खत्म किया, इस टॉपिक का नाम था एनाटॉमी और इसी के साथ इस टॉपिक के लिए तुम लोगों को गुड बाय और सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेडिकल के लिए एक एक चीजों को समझना है, समझ के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कंटेंट के साथ उसको पढ़ो, चीजों को समझो और प्रैक्टिस अपनी जारी रखो, है ना। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू।